Hello, very good evening to all. This is Neha Katara Tyagi and today I am going to make Lauki Kofta Curry. वैसे आप सोच रहे होंगे कि लौकी कोफ्ता करी बहुत ही कॉमन डिश है, तो हाँ एक्चुअली कॉमन डिश है, तो मैं बस इसलिए इसको बताना चाहती हूँ क्योंकि लौकी जो है हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है. लोग इसको डायरेक्टली खाना पसंद नहीं करते हैं. दूसरा इसका ड्रॉबैक है कि लौकी के जो कोफ्ते होते हैं वो डीप फ्राइड होते हैं, तो आज हम ट्राई करेंगे कि इनको बिना डीप फ्राई किए हम इस करी को बनाएं. तो इसके लिए आइए इंग्रेडिएंट देख लेते हैं. तो ये हम हाई प्रोटीन इस वेजिटेबल भी इसको बोल सकते हैं. तो मेरे पास ये है ग्रेटेड लौकी जिसको मैंने ग्रेट करके रखा हुआ है, और इसका जो पानी है वो मैंने निकाला हुआ है. देन बटर मिल्क, करी में मैं बटर मिल्क ऐड करने वाली हूँ जिससे प्रोटीन थोड़ा सा मिल जाए. देन ये मेरे पास है रोस्टेड चने का आटा. मैंने रोस्टेड चने का बेसन या फिर सत्तू इसलिए लिया है ताकि जिन लोगों को गैस्ट्रिक इश्यूज़ है वो अगर इसको यूज़ करेंगे तो उनको गैस्ट्रिक इशू नहीं होंगे क्योंकि ये रोस्टेड है. एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि अगर जैसे हम कोफ्ते बनाने वाले हैं तो अंदर हम तवे पर इनको बनाएंगे जिससे कच्चा होने का इसका कोई चांस नहीं है. देन ग्रेवी के लिए मैंने इसे अनियन, ग्रीन चिली एंड लहसुन का पेस्ट मैंने बनाया है. एंड सेकंड ये मैंने टमाटो का पेस्ट बनाया है. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले लौकी को लेके हम इसमें बेसन मींस रोस्टेड चने का आटा ऐड करेंगे. मैं 4-5 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो मैंने 1/2 kg ऑफ लौकी लिया है एंड 250 ग्राम ऑफ बेसन है. वो अकॉर्डिंगली हम बाइंडिंग के अकॉर्डिंग इसमें बेसन मिलाएंगे. तो अभी मैंने इसमें 5 स्पून बेसन ऐड कर दिया है. देन अब मैं इसमें ग्रेट अनियन एंड ग्रीन चिली ऐड करूँगी. एंड अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले. तो मसाले में रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर 1 teaspoon एंड सॉल्ट. एंड थोड़ा सा चाट मसाला टेस्ट के लिए, और एक थोड़ा सा सिट्रिक मतलब खट्टा खट्टा टेस्ट इसका ताकि टेस्ट इम्प्रूव हो सके. तो थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है. देन हम इसको मिक्स करेंगे. ये हमारा जो लौकी के कोफ्ते हैं उसका बैटर तैयार हो गया है. कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा थिक हम इसका कंसिस्टेंसी रखेंगे. देन हम इस वैसे तो कोफ्ते गोल होते हैं लेकिन हम इसको डीप फ्राई नहीं कर रहे. अगर आप इसको डीप फ्राई करने वाले हैं तो इस शेप में राउंड शेप में आप इसको बनाओ. अगर आपको डीप फ्राई नहीं करना है देन हम इसको थोड़ा सा ओवल शेप देंगे. और इस तरह से हम अपने कोफ्तेज बना के तवे पे, ये मैंने तवा गरम किया हुआ है, देन अब हम इस पर इस तरह से थोड़ा सा मैंने 1 teaspoon ऑफ ऑयल डाला हुआ है. तो इस तरह से हम अपने कोफ्तेज रखेंगे एंड इसी तरह से हम हमारे सारे कोफ्ते बना लेंगे. ये मैंने कोफ्ते बनाए हैं, बस मैंने इसका थोड़ा सा शेप चेंज किया है. आप ऐसे कर सकते हैं. देन 1 teaspoon ऑयल डाल के इस तरह से मैंने अपने कोफ्ते बनाने के लिए रख देते हैं. ये कोफ्ते स्लो जो फ्लेम है उस पर जब तक पकेंगे तब तक हम अपना करी तैयार कर लेते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. मैं इसको दूसरी गैस पे शिफ्ट कर रही हूँ. एक कढ़ाई में मैं थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेटली 10 ग्राम ऑयल ऐड कर दिया है. ये अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरा. ब्राउन होने तक हम थोड़ा सा रखेंगे. देन अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ अनियन, गार्लिक एंड ग्रीन चिली का पेस्ट. आप चाहें तो ग्रीन चिली और गार्लिक का अलग से पेस्ट बना सकते हो. देन अब हमें इसे ब्राउन होने तक पकाना है. अनियन को मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है. तब तक आइए हम अपने कोफ्ते चेक कर लेते हैं. ये देखिए अब हम इनको एक साइड से पलटेंगे.
ये देखिए इस तरह से हम अब दूसरी साइड से इनको पकाएंगे ऐसे पलट के। मैं इनको स्लो फ्लेम पे कर रही हूँ ताकि अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए, ब्राउन होने तक हमें इनको कुक करना है। तो ये पलटनी है। ये अब अनियन के बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो, ये टमाटो के मैंने प्यूरी बना के रखा है वो ऐड करेंगे। देन अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं मसाले। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून ऑफ हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर एंड अगेन धनिया पाउडर एंड सॉल्ट। एंड गरम मसाला पाउडर देन हमें इसको अच्छे से कुक होने देना है क्योंकि इसके बाद हम इसमें बटर मिल्क ऐड करने वाले हैं। और अगर टमाटर का टेस्ट कच्चा रह गया और हमने बटर मिल्क ऐड किया तो थोड़ा सा एक अलग सा फ्लेवर अलग सा टेस्ट आएगा, इसलिए हमें टमाटो को अच्छे से कुक करना है। तो हम इसको अब कुछ टाइम के लिए ढक के रखेंगे ये और टमाटो को कुक होने देंगे। ये टमाटर अच्छे से कुक हो चुके हैं। देन आई एम गोइंग टू ऐड बटर मिल्क मतलब छाछ। आप चाहें अगर आपको पसंद नहीं है छाछ तो आप इसी में थोड़ा सा पानी ऐड करके अपने कोफ्तेज ऐड कर सकते हैं, बट मैं इसमें थोड़ा सा अलग ट्विस्ट या अलग टेस्ट देना चाह रही हूँ तो इसलिए मैं इसमें बटर मिल्क डाल रही हूँ। इससे मेरा थोड़ा सा प्रोटीन भी इनरिच हो जाएगा। देन आप इसको स्लो फ्लेम में डालें एंड जैसे आप छाछ ऐड कर रहे हो उसको चलाते रहें। अगर आपने चलाया नहीं तो जो हमने बटर मिल्क ऐड किया है वो फट जाएगा और उसका एक थोड़ा सा अजीब सा टेस्ट आएगा, इसलिए आपको कंटिन्यूस इसको चलाते रहना है जब तक ये अच्छे से उबाल नहीं आ जाए। सो नाउ मेरी करी अच्छे से बॉयल हो चुकी है, पक चुकी है, आप देख सकते हैं इसका थोड़ा सा टेक्सचर भी चेंज हुआ है, थोड़ी गाढ़ी हो गई है एंड अच्छे से इसमें बॉयल आ चुका है। तो इसको कंटिन्यूस चलाते रहना है जब तक ये बॉयल इसमें नहीं आ जाए, प्लीज़ ये चीज़ आप ध्यान रखें। एंड नाउ हम देख सकते हैं हमारे कोफ्ते भी बन चुके हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। इसमें ऑयल का फ़र्क है, आप याद रखें शेप आपको थोड़ा सा फ्लैट करना है नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और स्लो फ्लेम पे आपको पकाने हैं। नाउ इस करी में हमें कोफ्ते ऐड करने हैं तो सबसे पहले आप गैस को बंद कीजिए एंड इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए हमें रखना है अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 minutes। अगर गरम गरम में हम कोफ्ते ऐड करेंगे तो कोफ्ते फैल सकते हैं, तो इसलिए हमें इसे थोड़ा सा टेम्परेचर का कम करना है, आई मीन थोड़ा सा ठंडा करना है ताकि हम इसमें कोफ्ते डालें तो वो टूटे नहीं या फिर फैले नहीं। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड कोफ्ता, ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। सो और कोफ्ता करी, लौकी कोफ्ता करी इज़ रेडी। नाउ आप देख सकते हैं कि फ़र्क इसके टेस्ट में आपको कुछ नहीं लगेगा, जैसे डीप फ्राइड में आपको टेस्ट आता है वैसे ही आएगा, बट जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिए वो प्लीज़ फॉलो करें। एंड लास्ट में हम इसको एक फाइनल टच देने के लिए इसमें ऊपर से गार्निशिंग करेंगे हरा धनिया। एंड नाउ इस रेडी टू इट, तो प्लीज़ एक बार ट्राई करके देखो। इसमें ऑयल कंटेंट बहुत कम है, हेल्दी वेजिटेबल है इसमें लौकी, तो जो लोग लाइक जैसे बच्चे नहीं खाना पसंद करते हैं वो इसको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।